गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेटेस्ट वी जस्ट स्टार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ये पढ़ते हैं कि कोई विलायक मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वाष्प दाब उसमें नॉन वेपोराइट सॉल्यूट मिलाने पर उसके सॉल्वेंट के वाष्प दाब पर क्या इफेक्ट आएगा वो अपन पढ़ते हैं इसमें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती है जो और किसी चीज पर और किसी पर डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के कण पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जितने ज्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको बताती है कि विलेय सॉल्यूट मिलाने पर, अपन ऐसा सॉल्यूट मिलाते हैं जो नॉन वेपर सॉल्यूट हो, नॉन वेपर सॉल्यूट मिलाने पर क्या इफेक्ट आ रहा है किस पे, उसके जैसे कि वेपर पर है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो अपन पढ़ते हैं किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब मान के लो कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एक लिया पात्र, ये लिया एक पात्र, इस पात्र में इतने सारे सॉल्वेंट सॉल्वेंट हैं, ठीक है ना। अब ये सारे सॉल्वेंट यहाँ पर हैं, अब इन सारे सॉल्वेंट के द्वारा दाब लगाया जाएगा तो वो दाब इसमें मिला दिए मैंने नॉन वेपर युक्त सॉल्यूट। अब मैं नॉन वेपर वाले सॉल्यूट यहाँ पे मिला दिए तो कुछ सॉल्यूट इसकी सरफेस पर आ जाएंगे, तो इन सॉल्यूट, अब ये क्या है, ये नॉन वेपर वाले हैं, तो इन नॉन वेपर वाले सॉल्यूट की वजह से ये सॉल्वेंट के कण इस पर सरफेस पर नहीं आ पा रहे, यानी कुछ ना कुछ वाष्प दाब में वेपोराइजेशन में क्या होगी, कमी होगी। और उस कमी को मैंने मान के लो पहले जो केवल केवल और केवल क्या था, सॉल्वेंट था, जब उसका मैंने दाब मान लिया पी नॉट, अब इसमें मैंने सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिलाने पर इसका दाब मैंने मान लिया पूरे का P सॉल्यूशन PS, तो P नॉट ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहा होगा PS से, चूंकि सॉल्यूट तो क्या है नॉन वेपर वाले हैं, तो जब मैंने P नॉट माइनस PS, इसको मैं क्या कहूंगा, लोअरिंग इन वेपर वेपर प्रेशर, यदि मैं इसको देख रहा हूं कि पहले के तुलना में कितनी कमी आई तो P नॉट से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि P नॉट माइनस PS बटे P नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बराबर होगी किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली याद रखना है ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी, ये आ गया देखो, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गई। यदि मैं इस डिमोनी मतलब बट्टे पी नॉट की जगह यहाँ पे पी एस लिख दूं तो ये बराबर आ जाएगी एन सॉल्यूट बट्टे एन सॉल्वेंट, ये एन क्या है, मोल है, मोल, और ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ना, समझ में आ गया। यानी पी नॉट देखो दो फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट तो किसके इक्वल आ गया, एक्स सॉल्यूट के, और पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी एस बराबर आ गया एन सॉल्यूट यानी मोल बट्टे कैपिटल एन सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा अब अपन पढ़ते हैं क्या, अब क्या हुआ इसमें, जब मैंने इसको मिलाया तो मेरे पास जो वाष्प दाब था उसमें क्या आई, कमी। अब अपन जानते हैं वाष्प दाब और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वाष्प दाब में कमी आई तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अपन को पता है जब अपन हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो ऊंचाई पे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका मेन रीजन क्या है कि ऊंचाई पे जाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए ऊंचाई पे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा इसी प्रकार से जब मैंने सॉल्यूट को मिलाया तो मुझे देखा कि मेरे पास जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, इसका मतलब वाष्प बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हुआ ये, इसको मैं कैसे लिखूंगा मालूम है, टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट, क्यों लिखा, क्योंकि टीबी नॉट तो कम था, मिलाने पर ज्यादा हुआ तो बड़ा कौन है, टीबीएस माइनस टीबी नॉट डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू मोडेलिटी, केवी एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू 0.52 आता है। इसी प्रकार से जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना वो बढ़ जाएगा, है ना,
फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और कितना बढ़ेगा डेल्टा टी एफ, वो कितना सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना कम होगा तो टी एफ नॉट माइनस टी वी टी एफ सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये तो कम हो रहा है। अच्छा बराबर के एफ इंटू एम, यहाँ पे के एफ की वैल्यू 1.86 होती है। आपसे ये फॉर्मूला बेसिकली नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लर्न करना चाहो कर लो कि जो के एफ होता है ना या के वी होता है वो के एफ जैसे यदि आपको लिखना है तो यहाँ पर टी एफ लिखो नॉट शुद्ध अवस्था में इंटू यहाँ पर आर लिखो बट्टे में 1000 इंटू ये गुप्त ऊष्मा एल एफ, ये लिख दो बस, हो गया फॉर्मूला, है ना, याद करना चाहो कर लेना क्या होता है टी ए, और एल एफ जो होता है ना गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है डेल्टा एच बट्टे मोलिकुलर वेट, है ना। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला है आपके पास पाई बराबर सी आर पी, ओके ठीक है। अब कोई मान के लो एन कण मिलकर के, एन कण है वो ए के इतने सारे कण हैं वो टूट गए यानी उनका डिसोसिएशन हो गया, तो डिसोसिएशन के लिए ये बॉन टॉप कोफिशिएंट आया है। बॉन टॉप कोफिशिएंट जो होगा आई बराबर एक प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, अल्फा क्या है डिसोसिएशन की मात्रा, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा इसी प्रकार से यदि आपको ये मतलब ये रिएक्शन रिवर्स होती है, इस प्रकार से यदि होगी तो आई जो आएगा ना वो कितना आएगा एक प्लस वन बाई एन माइनस एक इंटू अल्फा, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब यदि कोई भी जो विलयन होता है सॉल्यूशन होता है उसमें यदि आपको आई वैल्यू दिया है, आई वैल्यू गिवन है तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिखने से पहले आई टाइम्स हो जाएंगी, आर बिकम आई टाइम, मतलब देखो पहले आप जो वास्तविकता लिखते थे वो कैसे लिखते थे पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर एक्स बी, अब इसमें आई का गुणा कर देना। इसी प्रकार से आप डेल्टा टी भी लिखते थे वो बराबर के बी इंटू एम यानी मोल डी, इसमें भी आप आई का गुणा कर देना। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ में भी आप के एफ इंटू एम इंटू आई का गुणा कर देना। इसी प्रकार से पाई बराबर आई इंटू सी आर टी, ये तीन चीज, ओके। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो गया आज, है ना, ओके।